हेलो दोस्तों, तो मैं यहाँ पे शंघाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे हूँ और दोस्तों मैंने बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस की। जैसे मेरी एक फ़्लाइट थी पहले जो कि कैंसिल हो गई, क्योंकि जो मलेशिया था उसने रिसेंटली अनाउंस किया कि पीपल वाया चाइना कैन नॉट कम टू देयर कंट्री और ट्रैवल टू अनदर कंट्रीज थ्रू मलेशिया। सो यहाँ से मलेशिया जाना तो पॉसिबल नहीं है। इंडिया भी जाना हो, मेरे साथ बहुत सारे फ्रेंड्स थे इंडियन जो जा नहीं पाए, तो फिर हमें दूसरी फ्लाइट करनी पड़ी। जैसे एक ही ऑप्शन है हमारे पास जो है बैंकॉक, मतलब थाईलैंड से जाना है और देखते हैं आप आगे की डिटेल्स क्या होती है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, मतलब कोई भी एयरलाइंस नहीं है जो हेल्प आउट कर रही है, सब कंट्रीज़ ने मना कर दिया है तकरीबन हेल्प करने के लिए। तो एक ही कंट्री है जो है बैंकॉक, जिसके ज़रिए हम इंडिया जा सकते हैं, क्योंकि इंडिया जाने के लिए डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है यहाँ पे। सो मैं आपको फर्दर जर्नी बताते रहूँगा अगर मेरे को कोई प्रॉब्लम्स वगैरह फेस करनी पड़े तो। और दोस्तों, जो मैंने फ़्लाइट की थी, मतलब कि जो थी एयर एशिया की, एयर एशिया मतलब यहाँ से मलेशिया, मलेशिया से बैंगलोर, बैंगलोर से मुंबई, तो फिर वो कैंसिल तो हो गया और उसके रिफ़ंड के लिए मैंने अप्लाई किया तो रिफ़ंड भी मेरा मतलब चला गया है, जो कि मिलने नहीं वाला। तो फिर मैंने नेक्स्ट फ्लाइट बुक की है जो कि नियर अबाउट प्रेजेंट डे, मतलब उसी दिन के लिए मैंने बुक की, तो फिर वो मुझे पड़ी नियर अबाउट 50,000 में, वो भी वन साइड, मतलब यार बहुत महंगी है। पर आप कोई ऑप्शन नहीं, इसके लिए मुझे जाना पड़ रहा है, जो कि मैंने थाई एयरलाइंस चूज़ की। तो आप देखते जर्नी शुरू होती भी है या नहीं, या फिर से कोई रूल आ जाएगा कि बैंकॉक ने ट्रैवल करना मना कर दिया वगैरह, अब देखते हैं। अभी मेरा आधे घंटे में चेक इन है, वो देखते कि मुझे चेक इन करने मिलता है या नहीं, मैं फर्दर जर्नी के बारे में आपको बताता रहूँगा। तो दोस्तों, ये जो डिफ़िकल्टी आ रही है फ़्लाइट्स वगैरह कैच करने में, तो फिर ये इस वजह से आ रही है क्योंकि रिसेंटली मतलब 10th February को अनाउंस किया गया है कुछ नए प्रोविंसेस के नाम, जो अलाउ नहीं किया जा रहा है फ़्लाइट से, मतलब चाइना से ट्रैवल नहीं कर सकते मलेशिया के लिए और कुछ बहुत सारी कंट्रीज़ के लिए। सो एक ही एज थाईलैंड, मतलब कि बैंकॉक, जहाँ से हम ट्रैवल कर सकते हैं इंडिया के लिए, या तो फिर पाकिस्तान, जिन्हें पाकिस्तान जाना है वो भी जा सकते हैं, लेकिन बैंकॉक के थ्रू, क्योंकि बैंकॉक ने कुछ ऐसे अनाउंस नहीं किया है कि चाइना से जो भी लोग हैं वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, वो टोटली कर सकते हैं बैंकॉक से, दैट्स ऑल। तो दोस्तों, आप जो कि मेरी फ़्लाइट मतलब कैंसिल हो गई है, तो फिर मुझे नेक्स्ट फ़्लाइट करनी है, मतलब जो कि मैंने कर ली है, और उसके लिए मुझे नियर अबाउट रुकना होगा और 15 hours के लिए। तो फिर मैं यहाँ पे शंघाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे रुका हुआ हूँ और जस्ट वेट कर रहा हूँ मेरे नेक्स्ट फ़्लाइट के लिए, जो कि 15 hours के बाद है, और वो फ़्लाइट होप विद गॉड्स ग्रेस सिर्फ 11 घंटे की है, इसलिए कोई वरी नहीं है। पर यहाँ से मैं दिल्ली जाऊँगा, दिल्ली में कोई प्रॉब्लम ना हो, बस यही एक होप है। सो लेट्स सी क्या होता है। सो गाइस, फाइनली हम इंडिया के लिए निकल रहे हैं, अब बैंकॉक के लिए चेक इन हो चुका है, तो अब इंडिया के लिए निकल रहे हैं हम। आगे की जर्नी देखते हैं वेदर कोई इंटरप्शंस होते हैं या नहीं। जो हमारा गेट है वो है D89। सो अभी कुछ फर्दर चल के जाएंगे, बहुत सारे इंडियंस यहाँ पे। तो गाइस, यहाँ पे कुछ ज्यादा फ्लाइट्स नहीं है, 2-3 ही फ्लाइट हैं। ये फ्लाइट तो दिख नहीं रही। ये फ़्लाइट है जिससे मैं जाने वाला हूँ, वो है थाई एयरलाइंस, काफ़ी बड़ी है गाइस, जिसकी टिकट जो है वो नियर अबाउट 50,000 है। माय गॉड, वन वे वो भी, और वो सामने है इथोपिया, और इस साइड ये भी नाम दिख नहीं रहा। इतनी ही फ्लाइट्स है आज के लिए, क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज ने मना किया हुआ है चाइनीज़ पीपल को ट्रैवल करने से उनके कंट्रीज में।
और ये जो है वो एयर चाइना है। एयर चाइना बेटर होती ट्रैवल करने को, लेकिन प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है क्योंकि चाइनीज फ्लाइट है। गाइस ये है सीन, ये एयरपोर्ट पे पब्लिक है, सब मास्क पहने हुए है। ईच एंड एवरी वन ऑल ऑफ देम आर इंडियन, सम आर फ्रॉम बांग्लादेश। सो गाइज जो मुझे प्रॉब्लम हुई फ्लाइट को लेकर वो थी एयर एशिया की वजह से, जो एयर एशिया एयरलाइंस है। तो फिर उन्होंने ऐसा किया, हम टोटली टाइम पे पहुंच चुके थे नियर अबाउट 6 घंटे पहले, और चेक इन के लिए भी नियर अबाउट 3 आवर्स बिफोर, फिर भी हमें टिकट्स नहीं दिए उन्होंने, जस्ट बिकॉज मलेशिया ने कहा है कि कोई लोग अगर चाइना से उनके कंट्री में ट्रैवल करे तो वो उस पर मनाई है। लेकिन उन्होंने अपने ऑफिशियल साइट्स पे भी रिवील नहीं किया था कि ऐसा कुछ रूल आया हुआ है। तो फिर ये टोटली जो कोरोना वायरस का जो इशू चल रहा है इसके बेसिस पे जस्ट पैसेंजर्स को मतलब लूटमार चालू है, और जो रेट्स है फ्लाइट्स के वो टोटली बहुत सारी बढ़ चुकी है। और हमें जो आप फ्लाइट करनी पड़ी वो थी थाई एयरलाइंस। तो दोस्तों मैं और एक मेरा फ्रेंड है नकुल, इसके भी फ्लाइट मिस हो गई, अब देखो क्या प्रॉब्लम हमने फेस की। नमस्ते दोस्तों, पहली बात तो आप एयर एशिया फ्लाइट करेंगे तो सबसे पहले तो वो फ्लाइट मत कीजिए, क्योंकि वो फ्लाइट का सर्विस बहुत बोगस है पहली बात। और जो और काउंटर्स पे होते हैं मतलब जो रिसेप्शनिस्ट होते हैं जो भी जो टिकट्स प्रोवाइड करते हैं, बिहेवियर टोटली बहुत गलत था, और उन्होंने रिस्पांस कुछ भी नहीं दिया। और हम फ्लाइट में बस हम बोर्डिंग करने जा रहे थे, उन्होंने बताया कि तुम मलेशिया नहीं जा सकते, वाया मलेशिया जा नहीं सकते। और गाइस ये सब जो सीन हुआ है वो जस्ट मतलब ctrip.com से ही हुआ है। तो मतलब कहने में जाए तो वैसे फ्लाइट्स की भी कोई गलती नहीं है, कंट्रीज की गलती है, क्योंकि उन्होंने टोटली मेंशन किया हुआ है कि कोई जो लोग चाइना से ट्रैवल कर रहे हो वो उनके कंट्री में आ नहीं सकते। तो फिर वैसे अगर आप ट्रैवल कर रहे हो चाइना से तो प्लीज़ चेक कीजिए वेदर वो पर्टिकुलर कंट्री आपको परमिशन ग्रांट करती है या नहीं, और एल्स आपको प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे बैंकॉक फ़िलहाल के लिए प्रोवाइड कर रहा है परमिशन, जस्ट एक ही कंट्री है जो प्रोवाइड कर रही है परमिशन सो दैट हम इंडिया जा सके वाया बैंकॉक। अब मलेशिया तो उन्होंने मना करते हैं, तो एक काइंड ऑफ एक बड़ी लिस्ट है, तो प्लीज़ आप चेक कर सकते हो। बहुत गंदा एक्सपीरियंस है फर्स्ट टाइम। मैं तो सोचता कि अपने एयर इंडिया फ्लाइट इज मोस्ट मतलब बहुत अच्छी है, बेस्ट है, सबसे अच्छा है। एयर एशिया एयर मलेशिया इन पे भरोसा मत रखिए दोस्तों, ये फ्लाइट कभी भी धोखा दे सकती है, कभी भी। अभी हम दोनों के पास पैसे थे इसलिए हम जा सक रहे हैं, हमारा टोटल 97,000 हो गए दोनों की टिकट की, और टोटल टिकट कल की और आज की मिला के 1,40,000 गए हमारे वन वे में। तो देखो दोस्तों ये आपके साथ ना गए इसलिए हम आपको बता रहे हैं, और हमारे पास कोई चॉइस भी नहीं है। हाँ हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, मे भी हमको अभी बैंकॉक में कुछ प्रॉब्लम आ सकता है क्या नहीं आ सकता वो भी डिपेंड करता है ऑन सिचुएशन। तो और ये सी ट्रिप से हुआ, ये सी ट्रिप से हुआ, सी ट्रिप इज और नो रिफंड, नो रिफंड बोल रहे पहली बात तो। अरे पैसा कहाँ लाए, कहाँ से है, हम हैं किसान भैया जी, स्टूडेंट तो है, हमारे पिताजी फार्मर है, हम लाए तो किधर से लाए, और किसान का पैसा कुछ ब्लैक का नहीं रहता, किसान जब अपनी खेत में जब घाम पसीना कमाता तब पैसा आता, इन लोगों को क्या पता है। मैं आपको मेरी सब भावनाएं बता रहा आपको, मेरे में क्या अभी मेरे में क्या ये है मतलब वो एयर एशिया और एयर मलेशिया के बारे में, मतलब मेरे में क्या अभी ये गुस्सा पैदा हो रहा है, फीलिंग्स और गुस्सा। तो अभी वो आप जब बहुत गुस्सा है वैसे दोस्तों, मतलब 1,50,000 मतलब 1,40,000 अगर आपके दो दिन में चले जाए वो भी वन वे। तो ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए ताकि लोगों के साथ ऐसा होना पाए, हमारे साथ होया है, आप लोगों के साथ ना हो तो आप ये वीडियो देखिए और टिकट करते टाइम आप कंफर्म कीजिए कि कुछ प्रॉब्लम है नहीं है, और सी ट्रिप को भी कंफर्म कीजिए, सी ट्रिप बहुत बोगस है।
अबे नहीं अच्छा सी ट्रिप अच्छा है वैसे नहीं वो बोगस इन जैसे उन्होंने रिफंड के लिए डायरेक्ट मना कर दिया हमको। हाँ वो गलत था, वो गलत था सबसे पहली बात तो। तो दोस्तों ये मेरा दोस्त गलती तो कंट्री की है मलेशिया की मेरे हिसाब से। मोस्ट ऑफ द इधर प्रॉब्लम कोरोना वायरस का चल रहा है, इसकी वजह से भी बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं करते, हम स्टूडेंट है, स्टूडेंट है, हमारे पास पैसे थे इसलिए हम जा पा रहे हैं, नहीं रहते तो हम क्या करते, प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। जैसे अभी मैंने मेरे एक्सपीरियंस बताया मेरा क्या हुआ है ये चैनल के माध्यम से, ये चैनल का नाम है नीलेश राजपूत करके, तो आप ज़रूर दोस्तों इसको सब्सक्राइब और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और भर भर के प्यार दीजिए मेरे दोस्त को, और आपका ऐसे आशीर्वाद रखिए उस पर, और धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद। तो दोस्तों वैसे तो आपको ये पता है ये हेल्थ रिलेटेड चैनल है, पर ये काइंड ऑफ हेल्थ रिलेटेड ही प्रॉब्लम थी, कोरोना वायरस की वजह से मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, जो कि मतलब फ्लाइट डिलेज में वगैरह, मतलब बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम्स, मैं अकेला नहीं हूँ या मेरा दोस्त नहीं है जिसने फ्लाइट मिस किए, नियर अबाउट 60 पीपल, मतलब पाकिस्तान से तो इतने लोग थे कि पूछो ही मत, और उनकी टिकट्स नियर अबाउट इंडियन रुपीज़ में कहा जाए तो मतलब आज 150,000 की टिकट थी उनकी, तो यार एफोर्ड नहीं कर सकते ना इतने लोग। तो बस यही मेरा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता था, मेरा कोई ऐसा ये नहीं है कि मैं किसी के बारे में कुछ बुरा भला कह रहा हूँ, बस आज का ये मेरा एक्सपीरियंस था कोरोना वायरस की वजह से, जो यहाँ पे माहौल है उस वजह से बहुत गंदा माहौल है, हो सके तो चाइना से निकलना ही बेटर है, और या तो फिर घरों में रहो चाइना में, सेफ है, बहुत बेस्ट है। गाइस सो फाइनली आई हैव लेफ्ट द चाइना, हमको फ्लाइट मिल गई और अभी हम बैंकॉक में हैं, और जर्नी अच्छी थी, जो थाई एयरलाइन से काफ़ी अच्छी सर्विस है उनकी, सो अगर आपको आना हो तो आप बैंकॉक थ्रू आ सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट प्लीज़ एक बार चेक कर लो कि कोई नया रूल ना इश्यू हुआ हो। सो गाइस टेक केयर, और जो भी चाइना में आना चाहते हैं वो जल्द से जल्द आ सकते हैं। अब दोस्तों मेरी बैंकॉक यानी थाईलैंड से मेरी दिल्ली के लिए ट्रिप है, सो उसके बाद देखते हैं दिल्ली में क्या होता है, रुकने को बोलते हैं या फिर जा सकता हूँ मैं मेरे घर, देखते हैं, सो होप कि रुकना ना पड़े। तो अब मेरी फ्लाइट है नियर अबाउट मतलब एक घंटे में, सो मिलते हैं दिल्ली में। सो गाइस नाउ वी आर हेडिंग थ्रू बे ऑफ बंगाल, तो ये टाइम टू दिल्ली है, लोकल टाइम एट बैंकॉक, लोकल टाइम एट दिल्ली, एस्टिमेटेड टाइम अराइवल, तो मैं 2:15 तक दिल्ली में रहूँगा। अल्टीट्यूड मतलब नियर अबाउट 12,192 meters, तो 12 किलोमीटर ऊपर, और फिर आउटसाइड एयर टेम्परेचर को -52 डिग्री सेल्सियस था। ये है बैंकॉक और ये है दिल्ली। तो गाइस जो कि मेरी दिल्ली की ट्रिप थी वो टोटली सक्सेसफुल हो गई है, मैं इंडिया में हूँ अभी और मैं मेरे घर के लिए निकल रहा हूँ, और प्रॉब्लम्स वगैरह नहीं आई, तो यहाँ ये ट्रिप ख़त्म होती है। मैं अब दिल्ली से औरंगाबाद जा रहा हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा।